प्रगत शहर के अलसईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से सभा फंक्शन हॉल में तहनीयती और तरबियती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मौके पर हज का सफर मुकम्मल कर लौटे हुज्जाज इकराम को तहनीयत पेश कर मुबारकबाद दी गई है और साथ ही अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में उमरा के लिए रवाना होने वाले ग्रुप्स के लिए तरबियती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। कुल 60 के करीब लोग अलसईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए इस साल हज के लिए रवाना हुए थे। इस प्रोग्राम के जरिए हुज्जाज इकराम अलसईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की सर्विस की तारीफ किए हैं और तमाम हालात बयां कर कहा, जनाब अलहाज ताहिर अली खान एंड ग्रुप्स काफ़ी अच्छे अंदाज में हज के अहकाम सिखाते हैं। अलसईद टूर्स एंड ट्रैवल्स पिछले 25 साल से गुलबर्गा शहर में खिदमत अंजाम देते आ रहा है, जिसके जरिए गुलबर्गा और आसपास के दीगर डिस्ट्रिक्ट से लोग हज और उमरा की शहादत हासिल कर चुके हैं। अगर आप हज और उमरा के लिए रवाना होने की ख्वाहिश रखते हैं तो अलसईद टूर्स एंड ट्रैवल्स से राब्ता कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए गुलबर्गा शहर के मिजगोरी गंज रोड अलकरीम कॉम्प्लेक्स पर अलसईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और काफ़ी अच्छा हज रहा, मैं इससे पहले भी दो हज कर चुका हूँ मगर ये तीसरा हज था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नूरानी हज था। काफ़ी दो पहले जो हज किया था वैसा हज मालूम नहीं हुआ। इस साल वाकई में अल्लाह ताला ने एक दाई के साथ में हज करने का मौका मिला और कईयों मतलब क्या वहाँ के जो अनवारात बरकात, वहाँ के जो ज़ियारतें वगैरह, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ बैठे थे, कहाँ चले थे, कहाँ गज़वात हुए और सहाबा इकराम ने कहाँ कहाँ कुर्बानी दी, ये सारे मंजर इन्हें बिल मुशाफा आँखों के साथ हमारे को कराया गया। ऐसा कम होता है कि सिर्फ हुज्जाज इकराम को लेके जाके वहाँ छोड़ दिया जाता है, जाओ हज करो। माशाल्लाह ऐसा नहीं हुआ, ये पूरे तफसीलात के साथ में हज कुर्बानी के साथ में, जैसा सफा मरवा, जैसा जंगे बदर, जंगे खदक, जहाँ भी जो भी वाक़यात पेश आए पूरे तफसीलात के साथ में हज अदा हुआ। माशाल्लाह हज बहुत खूबसूरती के साथ अदा हुआ। माशाल्लाह इससे बड़ी खुशी हुई कि इंशाल्लाह जब भी हमारे रिश्तेदार में जो भी हज करने जाएंगे इस हज टूर से भेजने का इरादा किए हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि उसने हमें इस साल 2023 में हज की शहादत नसीब फरमाई और हमने अलसईद टूर्स एंड ट्रैवल्स को तरजीह दी और माशाल्लाह हम लोगों का सफ़र जो रहा माशाल्लाह बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतर सफ़र रहा। तमाम जो तारीख़ी मुकामात हैं मक्के मौज़मा में और मदीने शरीफ में, हर मुकाम के बारे में हमारे जो निगाह ताहिर अली खान साहब बहुत ही जो है निगाह बारीकबीनी से और माशाल्लाह बहुत वसी इल्म रखते हैं वहाँ के तारीख़ी मुकामात के बारे में, बहुत ही समझाए। और रही बात खाने की, तो माशाल्लाह जो है ना क्या आप लोगों को या जो भी अलसईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए जाएंगे वो लोगों को ये महसूस नहीं होगा बल्कि ये महसूस करेंगे कि हम अपने घर का खाना खा रहे हैं। तो माशाल्लाह जो है ना क्या जो भी इस मरतबा जो है ना क्या अलसईद टूर्स एंड ट्रैवल्स से जा रहे हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और वो लोग अपनी सही चॉइस किए हैं। 20 तारीख को हम हज के लिए निकले, हैदराबाद पहुँच गए। ताहिर साहब ने हमारी इतना अच्छे तरीके से रिसीव कर लिया और हमारे को जो जो करना है जैसा कि राम बांधना है, जो रकात सुन्नत नमाज नफिल नमाज पढ़ना है, उसके बाद चढ़ना है, ये सारी तरबियत दे दिए। हमारे जैसे अनपढ़ों को सिखलाई के लिए ऐसे उस्तादों की ज़रूरत है। इन्होंने इतनी मेहनत किया, हमारे को वहाँ से लेकर चले गए, जिद्दा उतार दिए, जिद्दा से बस में बिठा कर मक्का पहुँचा दिए। शाम में 2 बजे हम पहुंच गए, 2 बजे उन्होंने बोला सुबह तुम्हारे को उमरा करना है। फजर की नमाज के बाद हमें उमरा करने लेकर चले गए। जैसे बच्चों को सिखाते हैं उस तरीके से हर नियत करना, तलबिया पढ़ना, 10-10 वक्त उन्होंने हमारे पीछे लगकर हमारे को इतनी सिखलाई दिया। हम जो अनपढ़ थे कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह आलम के साथ रहकर हासिल कर लिया। हमारे खुशकिस्मत हैं ताहिर साहब के साथ हमारे को हज करने का मौका मिला। उसके बाद हज की कार्रवाई शुरू हो गई। हम मीना पहुंच गए, मीना पहुंचाने के बाद क्या करना है, कैसा रहना है, एहराम कैसा बांधना है,
हर आदमी को, एक एक आदमी को मिलकर उन्होंने पर्सनली हर आदमी को बताया और नियत कैसा करना, कैसा रहना, किस तरीके से रहना, किस तरीके से तुम्हारी ये खराब हो जाता है हज, ये सारे चीज़ें समझाते हुए हमारे को मीना में भी तरबियत दी। मीना से अरफात चले गए हम, अरफात में सुबह से शाम तक रहना था, हमारे को छोड़कर नहीं रहे इन्होंने। अरफात से शाम में मुज़दलिफा चले गए, हमारे साथ हो गए, हमारे साथ रहे, बच्चों की तरह हमारे को संभालते हुए रात भर कटाए और सुबह मीना को लेकर वापस चले गए। उसके बाद में वहाँ तैयारी कर हम जमरा चले गए शैतानों को कंकर मारने के लिए। वहाँ भी हर आदमी को क्या पढ़ना है, कैसा पत्थर मारना है, क्या करना है, दो उंगली में पकड़ना है, कितना मोटा कंकर मारना है, यहाँ तक के समझाए। इनकी बहुत बड़ी तरबियत है। आप किस्मत वाले हैं जो तायर साहब के अंडर में जा रहे हैं और उनके भतीजे मुदस्सिर और आदिल, ये जितने भी हमारे साथ ग्रुप में जो गाइड्स थे, इनको पूरी सिखलाई तायर साहब ने दिया है और उन्होंने भी अच्छे अच्छे हदीसे और अच्छे अच्छे तरबियत देते हैं। जब हमारा हज खत्म हुआ उसके बाद में हमारे ये करने शुरू कर दिए, मक्के के जो बड़े बड़े ये है जियारतें हैं उनकी जियारतें करने शुरू करा दी। सबसे पहले हमारे बहुत बड़े किस्मत किस्म काबा में क्या होता है, जो मक्के की गलिब तैयार होती है एक साल तक, वहाँ हमारे को मौका मिला, वहाँ चांस मिलना बहुत मुश्किल है। ये तायर साहब की बदौलत हमारे को चांस मिला और वहाँ चले गए। हर आदमी को एक एक टाका लगाने का मौका मिला, चादर को छूने का हक मिला और तायर साहब को देख कर वहाँ के बादशाह ने हमारे सब साथियों को एक एक कुरान तोहफे में दे दिया। वो हमारे खुशकिस्मती हैं। उसके बाद हमारे को गारे हिरा लेकर गए, गारे सौर लेकर गए, हाँ मस्जिद जिन लेकर गए, मस्जिद सिजरा लेकर गए, हाँ जन्नतुल मावा को पहले दिन बाहर से दिखा लेकर आए, दोबारा ले जाकर जन्नतुल मावा के अंदर दूसरे दिन पूरे जितने भी साहबा वहाँ सो गए हैं उनकी जियारत करवाए हमारे लिए। और तायब की मस्जिद को ले जाकर उमरा कराए, हाँ हुजूर के अंगूर के बाग दिखाए जो हुजूर के ज़माने में थे, मस्जिद अली दिखाए जो अभी भी है, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा वो, हाँ और मस्जिद नबी भी दिखाए हमारे को, मस्जिद उबैया ले जाकर वहाँ से हमारे को एहराम पहनाकर ले आकर उमरा करवाए, हाँ जिराना से भी उमरा कराए हमारे को। होटल बिल्कुल हज होने के बाद 200-300 मीटर के ऊपर फाइव स्टार होटल में रखा था हमारे को, हाँ मोकारिम अजैदा में, उससे अजा होते ही हम वहाँ से नमाज को गए तो भी हम इसमें हरम में पहुँच जाते थे। हुजूर का वहाँ के नज़दीक के ज़ियारतें में हुजूर का घर दिखाए, शबे मेराज जो शुरू हुआ वहाँ का दिखाए, हाँ शकुल का खमर जो चांद के दो टुकड़े हुए थे वो जगह भी दिखाए हमारे को, जन्नतुल माला दिखाए है और हमारे इतना जिंदगी भर की कमाई लगा कर तैयार होकर जाते हैं तो हमें फ़ायदा उठा कराना चाहिए, ऐसे लोगों के सोबत में बैठना चाहिए। ऐसे लोगों के मैं किसी का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, हकीकत जो है, जो 100% मेहनत करता है उस आदमी को देने की कोई हमें सख्त बोलने की ज़रूरत है। ऐसे ट्रैवल से आप हज करना बहुत मुनासिब है, बहुत अच्छा है, हाँ मेरा ये कहना है। अल्लाह मक्का से जब हम लोग निकले वहाँ पे मीना को, मीना में हमारा मौलिम नंबर 6 बहुत करीब था, हमारा बहुत नज़दीक था, हर चीज़ आसानी से हुई हमारे को, सारे ज़्यारतें वगैरह सब आसानी से हुई, अल्लाह ताला हमारे को सही सलामत हज और करके वापस रवाना किए, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत।
और हमारे ताहिर अली साहब और मदरसे साहब की बहुत खिदमत की वहाँ पे, हर जगह हमारे को कोई तकलीफ होने नहीं दिए। रहमतुल्लाही बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2023 में सही टूर एंड ट्रैवल्स के जरिए हमको हज का हज अदा करने का मौका मिला। जनाब हाजी ताहिर अली खान साहब की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हम तारीफ करें कम है, हर कदम एक कदम पर हमारी नहीं की है और हम तमाम ज़ियारतों से हमको तफसील से बताए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमको एक अच्छे टूर और ट्रैवल्स के जरिए जाने का मौका मिला। हुआ हम कोशिश करेंगे जो भी जाने वाले हैं उनसे इस टूर एंड ट्रैवल्स के जरिए अपने हज यात्रा। अभी जो ना उमरा करना है आपको, तवज्जे की ज़रूरत है। उम्र में चार बातें हैं। उम्र में कितनी बातें हैं? उम्र में चार बातें हैं, दो फर्ज का दर्जा रखती हैं, दो वाजिब का दर्जा रखते हैं। फर्ज क्या है? अपने मीखात से, हमारा मीखात हिंदुस्तान वालों का यलमलम है, मीखात से पहले आप एहराम बांध के नियत करना और तलबिया पढ़ना, ये एक फर्ज है। इतना ख्याल रखना है कि एहराम बांधने में चलने में आसानी हो, चलने में किसी किस्म की रुकावट ना हो, आसानी के साथ चल सकें, चलने में आसानी हो और सतर की हिफाजत हो। सतर की हिफाजत क्या है? मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने के नीचे तक का हिस्सा ये सतर है, इसकी हिफाजत हो। सोने में, बैठने में, चलने में सतर खुलने ना पावे, अपने दोनों शानों पे डाल लेना है। जूं ही ज़ैबतन कर लिए, पहन लिए, आपका सिला हुआ लिबास उतरेगा, टोपी उतरेगी, कुर्ता उतरेगा, पैजामा उतरेगा, बनियन उतारेंगे। आदमी फ्लाइट में जाएगा, क्या होगा? फ्लाइट में जाएगा, इसके साथ में एक शोल्डर बैग ये अपने गले में डाल देंगे। इसके अंदर पासपोर्ट होगा, टिकट होगी, इंश्योरेंस कॉपी होगी। ये ऊपर के कैबिन के बैग के अंदर अपने क्या रखना है घर से निकलते वक्त में? एक जोड़ा कपड़े, ये एहराम, एक टाइम का खाना, सुन लीजिए, एक टाइम का खाना, कुछ फ्रूट्स, कुछ बिस्किट के पुड़े, कुछ स्नैक्स की पैकेट और एक जोड़ कपड़ा, ये एहराम, ये साथ में रखना है, बेल्ट साथ में रखना है। कहीं के वास्ते हम फ्लाइट में चढ़ने से पहले एहराम बांधना है, इसलिए जो ना एहराम इसमें साथ में रखेंगे। और लगेज हमारा खुदा ना खास्ता कहीं मिस हो गया, एहराम उतरते ही हमारे पे एक जोड़ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। सफर के दौरान की दवाइयां ऊपर के बैग में रखेंगे और वहां पर 15 दिन रहना है हमारे को, 15 दिन की दवाइयां पूरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेके पूरी दवाइयां साथ में रखेंगे, वो लगेज बैग में डाल देंगे। अब पाबंदियां क्या हो गई? सिलावा लिबास नहीं पहनेंगे, खुशबू खाएंगे नहीं, खुशबू पिएंगे नहीं, खुशबू लगाएंगे नहीं, खुशबू आमदन सूंघेंगे नहीं। हालांकि खुशबू पसंदीदा अमल हुजूर का, एहराम की हालत में खुशबू खाएंगे नहीं। क्या मतलब? कि जिन चीजों के अंदर खुशबू मिलाई जाती है ऐसी गिजा नहीं खाएंगे। अलबत्ता बाज गिजाएं ऐसी हैं जिसके अंदर खुशबू पकती है, मसलन बिरयानी है, बिरयानी के अंदर इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, ये सब क्या है? पकती है, करी पत्ता डालते हैं, पकती है, वो असल अपनी खुशबू खो देती है, असल है, खुशबू पी नहीं सकते। क्या मतलब? अब फ्लाइट के अंदर जो जूस पीस पेश किया जा रहा है उसके अंदर जो है ना एसेंस मिला हुआ, खुशबू मिली हुई रहती है, फ्लेवर अलग अलग फ्लेवर उसके अंदर जो है ना मिक्स होता है, तो वैसी खुशबू हाल जब नियत कर लिए तलबिया पढ़ लिए नहीं पी सकते जब तक कि एहराम हमारे जिस्म पे है। समझ में आ रही बात? खुशबू आप क्या करें, अंदर बाथरूम में चले गए, वॉशरूम में चले गए, जाते ही जरूरत से फारिग होने के बाद वहां पर हैंडवॉश शैंपो रखा हुआ रहता है। हमारी आदत होती यूं दबाए हाथ में ले लिए धो लिए, खुशबू रहती है, साबुन खुशबू रहती है,
उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि आप हालत-ए-अहराम में हैं।